हेलो फ्रेंड्स, यो रेसिपी से मैं प्रीति गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं धनिये की पंजीरी, जिसे अक्सर जन्माष्टमी के उत्सव पे बनाया जाता है। धनिये की पंजीरी वैसे तो आप कभी भी बना के खा सकते हैं, यह बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है क्योंकि इसमें धनिया होता है। धनिये में बहुत सारे वाइटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है। और क्योंकि हम इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं, जो कि वो भी बहुत रिच होते हैं, बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, तो इसीलिए हम धनिये की पंजीरी कभी भी बना के खा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत होगी। साबुत धनिया 125 ग्राम, घी आधा कप, इलायची पाउडर 1 टीस्पून, किशमिश 2 से 3 बड़े चम्मच, खरबूजा का बीज 1 चौथाई कप, बादाम 12 से 15, काजू 12 से 15, मखाना 1 कप, बूरा 1 कप, कसा हुआ सूखा नारियल आधा कप। तो आइए अब हम धनिये की पंजीरी बनाना शुरू करते हैं। धनिये की पंजीरी बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और गैस हम ऑन कर देंगे और अब हम इसमें धनिया डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें पिसा हुआ धनिया भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें साबुत धनिया यूज़ कर रहे हैं। और अब हम धनिये को तकरीबन 4 से 5 मिनट ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, हमारा धनिया अच्छे से भुन गया है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। और अब हम इसे कढ़ाई में से निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब हम इसमें खरबूजे के बीज डालेंगे और इनको भी हम रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, हमारे खरबूजे के बीज भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और अब हम इन्हें भी कढ़ाई में से निकाल लेंगे। और अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ सूखा गोला डालेंगे और उसको भी हम रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, हमारा गोला भी अच्छे से रोस्ट हो गया है और अब हम इसे भी कढ़ाई में से निकाल लेंगे। और अब हम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। और अब हम इसमें मखाने डालकर उनको भी फ्राई कर लेंगे। हमें मखाने तब तक फ्राई करने जब तक कि वो अच्छे से क्रिस्प नहीं हो जाते। आप चाहें तो सभी ड्राई फ्रूट्स को बिना रोस्ट या फ्राई करे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रोस्ट और फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, उनका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसीलिए हम सभी ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट और फ्राई करके ही यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए, हमारे मखाने भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अब हम इन्हें भी कढ़ाई में से निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारे मखानों ने सारा घी सोख लिया है और अब हम इसमें 1 टेबलस्पून घी और डालेंगे। और अब हम इसमें कटे हुए बादाम डालकर इनको मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें काजू भी डाल देंगे और अब हम इन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारे काजू और बादाम भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अब हम इन्हें भी कढ़ाई में से निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने सभी ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से रोस्ट और फ्राई कर लिया है और अब हम मखानों को एक फ्लैट बाउल लेके उससे हम इसे क्रश कर लेंगे। हम बहुत ज़्यादा बारीक क्रश नहीं करेंगे, हम इन्हें थोड़ा मोटा मोटा क्रश करेंगे। आप चाहें तो इन्हें बारीक भी डाल सकते हैं करके। ये देखिए, इस तरीके से हम मखानों को अच्छे से क्रश कर लेंगे। और साथ ही हमारा धनिया भी ठंडा हो चुका है और अब हम उसे भी ब्लेंडर जार में डाल के उसको हम पीस लेंगे। ये देखिए, हमने धनिया को अच्छे से पीस लिया है, ये एकदम बारीक हो गया है।
और अब हम कढ़ाई में जो बचा हुआ घी है उसको हम इसमें डालेंगे और अब हम इसमें पिसा हुआ धनिया डालकर इसको तकरीबन और 2 से 3 मिनट हम भून लेंगे। ये देखिए हमारे धनिए को भूनते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और अब हम इसमें सभी ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे और गैस हम बंद कर देंगे और अब हम इसमें सभी ड्राई फ्रूट्स को डाल के इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने सभी ड्राई फ्रूट्स को डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है और अब हम इसे एक बड़े बर्तन में निकाल के इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। हम इसे ठंडा होने के बाद ही इसमें बूरा मिलाएंगे। ये देखिए हमने पंजीरी को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था और अब ये ठंडी भी हो गई है और अब हम इसमें बूरा मिलाएंगे। ये बात ज़रूर ध्यान में रखें कि बूरा हम इसमें तभी मिलाएंगे जब हमारी पंजीरी ठंडी हो जाएगी या बहुत हल्की गर्म होगी, क्योंकि अगर हम गर्म पंजीरी में बूरा मिला देंगे तो हमारी पंजीरी पानी छोड़ देगी और उसका टेस्ट खराब हो जाएगा और हमारी पंजीरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि पंजीरी में बूरा तभी मिलाएं जब हमारी पंजीरी ठंडी हो जाए। ये देखिए हमारी धनिया की पंजीरी बनके तैयार है जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और आप इसे कभी भी बना के खा सकते हैं और इसमें आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और अगर आप कोई इसमें से जो हमने ड्राई फ्रूट डाले हैं वो उसमें से आपको कोई पसंद नहीं है तो आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। आप इसे बनाइए और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।